इस वीडियो में हम एक्शन वर्ड से मुतालिक एक दिलचस्प मशक करेंगे। इससे पहले हम एक्शन वर्ड्स के मुतालिक पढ़ चुके हैं। चलिए अब आप बताइए एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं। बिल्कुल ठीक, ये वो अल्फाज होते हैं कि जिनसे किसी काम के या अमल के होने का पता चलता है, जैसा कि सिट, स्टैंड, रन और जंप वगैरह। इसीलिए इन्हें एक्शन वर्ड्स कहा जाता है। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। आप भी मेरे साथ पढ़िए। रीड, ईच, सेंटेंस, एंड, कलर, द सर्कल, अंडर, द एक्शन वर्ड। रीड यानी पढ़िए, ईच हर सेंटेंस जुमले को, एंड और कलर रंग भरिए, द सर्कल दायरे के अंदर, अंडर नीचे, द एक्शन वर्ड यानी फेल अमल या फिर वो लफ्ज जिससे किसी काम के होने का पता चलता हो। रीड ईच सेंटेंस एंड कलर द सर्कल अंडर द एक्शन वर्ड यानी जुमले को पढ़िए और एक्शन वर्ड के नीचे दिए गए दायरे के अंदर रंग भरिए। जैसा कि यहाँ एक जुमला लिखा है, इसके नीचे इस जुमले में से चंद अल्फाज को अलग अलग लिखा हुआ है और हर लफ्ज के नीचे दायरा बना है। अब हमने ये देखना है कि इन अल्फाज में से कौन सा लफ्ज एक्शन वर्ड है यानी फेल अमल है जिससे किसी एक्शन का या अमल का पता चलता है। और फिर हमने एक्शन वर्ड के नीचे दिए गए दायरे या सर्कल के अंदर कलर करना है यानी रंग भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, आप भी पढ़िए। आई सिट ऑन अ बेंच। आई मैं सिट बैठता हूँ, ऑन ऊपर, अ बेंच एक बेंच के। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये लड़का एक बेंच पर बैठा हुआ है और ये कह रहा है कि मैं बेंच पर बैठता हूँ। चलिए अब नीचे दिए गए अल्फाज को पढ़ते हैं। पहला लफ्ज क्या है? आई यानी मैं। दूसरा लफ्ज सिट यानी बैठता हूँ। और तीसरा लफ्ज है बेंच, जिस पर बैठा जाता है। तो चलिए अब आप सोच कर बताइए, क्या आई का लफ्ज कोई एक्शन वर्ड है? आई यानी मैं अपनी तरफ इशारा करके बात करने के लिए आई का लफ्ज इस्तेमाल होता है और इसे हम अपने नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं और ये कहलाया जाता है प्रोनाउन। इसका मतलब है ये एक्शन वर्ड नहीं है। और बेंच एक चीज का नाम है जिस पर बैठा जाता है, तो ये एक किस्म का नाउन है। और सिट का क्या मतलब है? बैठना। और ये क्या है? ये एक काम है, ये एक अमल है, यानी ये है एक एक्शन वर्ड। बिल्कुल ठीक। तो अब हम क्या करेंगे? इसके नीचे दिए गए इस दायरे के अंदर रंग भरेंगे। तो इस तरह से सिट क्या है? ये एक एक्शन वर्ड है, इसलिए हमने इसके नीचे दिए गए सर्कल में कलर कर दिया। चलिए अब मिलकर अगला जुमला पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। नंबर टू, द डॉग्स रन फास्ट। द डॉग्स कुत्ते रन भागते हैं, फास्ट तेज। द डॉग्स रन फास्ट यानी कुत्ते तेज भागते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये कुत्ते तेजी से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब मिलकर इस जुमले में से चुने गए अल्फाज को पढ़ते हैं। पहला लफ्ज है रन यानी भागना। अगले अल्फाज है द डॉग्स यानी कुत्ते। और तीसरा लफ्ज है फास्ट यानी तेज। चलिए अब आप बताइए, इन तीनों अल्फाज में से वो कौन सा लफ्ज है जो किसी काम के होने का बता रहा है यानी किसी एक्शन के मुतालिक बात कर रहा है?
बिल्कुल ठीक, वो लफ्ज है रन यानी भागना, क्योंकि ये एक एक्शन है। तो अब हम इसके नीचे दिए गए सर्कल में कलर करेंगे। और द डॉग्स क्या है, ये नाउन है, जबकि फास्ट का लफ्ज ये बता रहा है कि वो किस तरह से भाग रहे हैं, यानी तेजी से भागना। तो ये वो लफ्ज है जो किसी एक्शन के मुतालिक बताता है। ऐसे अल्फाज को एडवर्ब्स कहा जाता है, लेकिन इनके मुतालिक हम आगे जाकर पढ़ेंगे। इस मशक में आपने सिर्फ एक्शन वर्ड्स के मुतालिक बताना है। नंबर थ्री, आप भी पढ़िए। द कैट जम्प्स। द कैट यानी बिल्ली जम्प्स छलांग लगाती है। द कैट जम्प्स यानी बिल्ली छलांग लगाती है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये बिल्ली छलांग लगा रही है। चलिए अब इस जुमले में से चुने गए अल्फाज को पढ़ते हैं। पहला लफ्ज क्या है? द का लफ्ज किसी नाउन या नाम के साथ तब इस्तेमाल किया जाता है कि जिसके जिस नाउन या चीज के मुतालिक हम पहले बात कर चुके हों। अगला लफ्ज है कैट यानी बिल्ली, और ये क्या है? ये एक किस्म का नाउन है। और तीसरा लफ्ज है जंप्स यानी छलांग लगाना। तो चलिए अब आप सोचकर बताइए, इन तीनों अल्फाज में से वो कौन सा लफ्ज है जिससे किसी अमल के होने का पता चल रहा है? बिल्कुल ठीक, वो लफ्ज है जंप्स। तो अब हमने क्या करना है, इसके नीचे दिए गए दायरे में रंग भरना है, क्योंकि ये है एक एक्शन वर्ड। अब अगला सेंटेंस आप भी पढ़िए। नंबर फोर, रजा ईट्स फूड। रजा ईट्स यानी खाता है फूड, खाना। रजा ईट्स फूड यानी रजा खाना खाता है। चलिए अब चुने गए अल्फाज को पढ़ते हैं। पहला लफ्ज है ईट्स यानी खाना। अगला लफ्ज है रजा, जो कि एक नाम है यानी ये एक नाउन है। इसके बाद है फूड, और ये भी एक नाम है यानी नाउन है। तो चलिए अब आप सोचकर बताइए, इन तीनों अल्फाज में से वो कौन सा लफ्ज है जिसे किसी एक्शन का पता चलता है? बिल्कुल ठीक, ये है ईट्स का लफ्ज। ईट्स यानी खाना खाना, जो कि एक अमल है। तो इसलिए हमने ईट्स के लफ्ज के नीचे दिए गए सर्कल में कलर कर दिया। चलिए अब आखिरी सेंटेंस को मिलकर पढ़ते हैं। नंबर फाइव, हमजा वॉक्स टू स्कूल। हमजा वॉक्स यानी चलकर या पैदल, टू यानी को, स्कूल यानी दरसगाह। हमजा वॉक्स टू स्कूल यानी हमजा पैदल स्कूल जाता है। चलिए अब चुने गए अल्फाज को मिलकर पढ़ते हैं। पहला लफ्ज है हमजा, ये एक नाम है यानी नाउन है। अगला लफ्ज स्कूल, ये भी एक नाम है, इसे कहेंगे नाउन। और तीसरा लफ्ज है वॉक्स यानी चलना, जैसा कि पैदल चला जाता है। तो चलिए अब आप बताइए, इन तीनों में से वो कौन सा लफ्ज है जो कि एक एक्शन वर्ड है? बिल्कुल ठीक, ये है वॉक्स। तो अब हमने क्या करना है, वॉक्स के नीचे दिए गए दायरे में रंग भरना है। तो हमने रंग भर दिया, और इस तरह ये मशक मुकम्मल हो गई। चलिए मिलकर दोहराते हैं कि इस मशक में हमने कौन-कौन से एक्शन वर्ड सीखे। सिट यानी बैठना, रन यानी भागना, जंप्स यानी छलांग लगाना, ईट्स यानी खाना खाना, और वॉक्स यानी पैदल चलना। तो ये तमाम क्या है, ये हैं एक्शन वर्ड्स। इन्हें वर्ब्स भी कहा जाता है, वी ई आर बी एस वर्ब्स यानी एक्शन वर्ड्स। लेकिन इस लफ्ज को आप आगे चलकर अच्छी तरह सीखेंगे। अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और एक्शन वर्ड्स को सीखने की कोशिश जारी रखिए।